हेल्थ मिनिस्टर जी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हेल्थ मिनिस्ट्री तो चले अपनी जगह लेकिन बड़ी पॉपुलर तहरीक इंसाफ की करदा धरतों में शामिल है और बड़ी पॉपुलर मिनिस्टर भी हैं और पब्लिकली बड़ी पॉपुलर हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहिबा आपके बहुत ज़्यादा बड़े क्लेम्स थे, बड़े 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 दावे भी थे। जब से आप हुकूमत में आई हैं क्या समझती हैं कितने क्लेम्स आपने और कितने दावे जो हैं उनको आप मीट कर सकती हैं? देखिए सबसे अहम चीज़ थी जब मैं आई हूँ हुकूमत के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि मेजॉरिटी हमारे अस्पताल जो हैं वहाँ ह्यूमन रिसोर्स कम थे, यानी वो लोग जिन्होंने काम करना था अस्पतालों में उनकी बहुत बड़ी कमी थी और बहुत बड़ा भुगतान था। आते सार 6,800 तो डॉक्टर्स तैनात किए, 2,500 से ज़्यादा नर्सें तैनात की हैं, अभी हमने 550 फार्मासिस्ट किए हैं, फिर 500 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की सीट्स इंक्रीज़ कर दी, अभी मैंने 1,100 कंसल्टेंट्स के लिए पोस्टें एडवर्टाइज़ करवाने लगे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो ये इम्पॉर्टेंट, मेरा ख्याल ये बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट, और फिर मेरिट पे किया, वेबसाइट पे डाल दिया, नंबर वन को पहली चॉइस मिली, नंबर टू को सेकेंड चॉइस मिली, हद तक कोशिश पे कोई बच्चा जो था वो मेरिट के खिलाफ नहीं लगा। और आपको पता इसलिए शोर भी नहीं मचा, कोई खप नहीं मची, सारे बच्चे जो थे वो मेरिट पे लग गए। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने की आपके साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि हमारी इमरजेंसीज के हालात बड़े ख़राब थे, उनके इंस्ट्रूमेंट्स, उनके इक्विपमेंट, उनके वैसे ओवरऑल, उसके लिए हमने रीवैम्पिंग के लिए सबसे पहले पैसे अपने बजट में से निकाले और अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन सबकी इमरजेंसी तकरीबन रीवैम्प हो चुकी है। और आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइए, चक्कर लगाइए। नहीं, मैं आज उधर सर्विसेज गया हूँ, मेरी पूरी टीम साथ थी, तो वहाँ सफाई का इंतज़ाम तो काफ़ी बेहतर हुआ, काफ़ी बेहतर हुआ है। और बल्कि मेरे कैमरामैन और मेरी टीम भी मुझे कह रही थी कि ये पोची वाला जो बंदा है ना, ये मुसलसल शाम 5 बजे भी एक्टिव था उधर। जो हमारी सफाई करने वाले लोग हैं वो सबसे बैकबोन की हैसियत रखते हैं, हमारे लिए बड़े वाजिबुल एहतराम है। लेकिन मैंने उधर फ़र्क ये देखा अपने तहीं कि वहाँ काफ़ी सफाई का इंतज़ाम काफ़ी बेहतर है। एमरजेंसी की बात करूँ, बड़ी बेहतर एमरजेंसी में सफाई सर्विसेज। देखिए एमरजेंसी सबसे ज़्यादा बिजी जगह होती है और हमेशा याद रखिए कि नेचुरली लोगों के साथ, मरीजों के साथ रिश्तेदार आते हैं, बहुत जल्दी वहाँ गंद पड़ता है। आपको ज़रूर जाके एलजीएल की एमरजेंसी देखनी चाहिए, इतनी खूबसूरत, इतनी रिवैम्प होकर रोशन हुई हुई एमरजेंसी, लगता है कि आप किसी एक अच्छे अस्पताल के अंदर एंटर किए। एक नंबर वन, दो हमने एमरजेंसी सारी रिवैम्प करी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा एक कमिटमेंट थी पाकिस्तान की, खान साहब की विजन के मुताबिक पाकिस्तान पंजाब के लोगों के साथ, कि हम हेल्थ कार्ड का इजरा करेंगे। आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पसमानदा जो डिस्ट्रिक्ट है यानी कि राजनपुर, वहाँ से हमने उसका इजरा कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब को तशरीफ लेके आए थे, उन्होंने इजरा किया। फिर दूसरे दिन डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ अरब मुल्तान की बारी है, और साथ ही इसी तरह करते करते इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक हम 36 के 36 अजला के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी ला रहे हैं उन लोगों के लिए जो गुर्बत की सतह से नीचे रहते हैं। और इस हिसाब में 72 लाख फैमिलीज जो हैं इनको हम कार्ड दे देंगे, और इन कार्ड की जो मालियत है वो 7,20,000 रुपये, एक अच्छी रकम है, जिसमें अगर कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो तो कार्डियोलॉजी में जाके अपने हार्ट की ऑपरेशन करवा सकते हैं, और तो पीडिक का मसला हो तो आप अपनी, आपको पता कई दफ़ा आप प्रोस्थेटिक्स लगाने पड़ते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि न्यूरोलॉजी, आपको पता है हेड इंजरीज बड़ी होती हैं उसकी, उसके अंदर अपना हम लोगों ने कार्ड के अंदर वो रखा हुआ। कि फिर इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि मरीज के लिए पहुंचना भी वहाँ हॉस्पिटल मुश्किल होता है, कई दफ़ा पैसे कराए के। अच्छा, ये कार्ड के ऊपर चेक एंड बैलेंस कैसे रखेंगे? फॉर एग्जांपल, देखिए मिसाल ये कि मुझे आज जो कोई कह रहा था, मैं बात भी कर रहा था, बल्कि वाइडी कुछ लोगों से हमारी बात हुई, तो उनको हमने कहा कि आप तो बंद गली में जा रहे हैं, वो मैं डिटेल से आपसे बाद में बात करता हूँ। वाइडी का ही मौक़ था, वो कहते थे कि आप ये देखें कि कार्ड है एक बंदे के पास और वो PIC चला जाता है या किसी भी जगह चला जाता है, हार्ट का इशू रजिस्टर्ड करवाते हैं, 2 लाख डॉक्टर लेता है, 2 लाख ही अपने पास रखते हैं, 4 लाख का बिल बना के हुकूमत के कार्ड से डिटेक्ट कर लेते हैं, इसके को फिल्ट्रेशन। लेकिन आप हमेशा याद करिए इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना वो तो बड़ी मजबूत होती है। हमने तो इंश्योरेंस कंपनी के दिए ना पैसे, इंश्योरेंस कंपनी अपने पैसों का खुद ख्याल रखेगी। अब बिल्कुल परेशान हो गई, IDA को परेशानी नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंश्योरेंस कंपनी हर केस को बाकायदा इन्वेस्टिगेट करती है बिफोर देयर इज एनी रिइंबर्समेंट। इंश्योरेंस है ना, आप अपनी गाड़ी को इंश्योर करवाते हैं, टक्कर लगी तो ऐसे थोड़ी दे देते पैसे, आप पहले तस्वीर उतरवाते हैं फिर आप। और जिनकी गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं उनके तो क्लेम उनको 4-4 साल बाद मिलते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है,
कि हमने ये कहा है कि मरीज पहुंचे अस्पताल, उसका इलाज हो जाए, क्लेम वो अपना ले लेंगे, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व है इसके अंदर, वो अपने क्लेम्स का खुद ख्याल रखेंगे। दिस इज मतलब हम तो इंश्योरेंस कंपनी को सारी अथॉरिटी दी गई है। अब जो जो रीवैम जो हॉस्पिटल्स हैं जो उन्होंने पैनल किए, वो सारे हॉस्पिटल्स हमने खुद चेक किए कि आर दे अप टू दैट पार और नॉट। ये सिर्फ सरकारी अस्पताल में जैसे कार्डियोलॉजी यूनिट है, मुल्तान की जो कार्डियोलॉजी यूनिट है वो भी उसके अंदर है। इसके अलावा जो बड़े बड़े हस्पताल हैं, बख्तियार अस्पताल मेरा ख्याल उसका नाम है, 522 हॉस्पिटल मुल्तान, वो भी उसके अंदर इम्पैनल्ड है। तो मतलब ये है कि इससे हमारे नंबर ऑफ बेड्स भी बढ़ गए। अगर हमारे पास अपने अस्पतालों में जगह नहीं होगी तो कम से कम हमारा गरीब मरीज जो है ना किसी और अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकेगा। और ऐसे का कोई वीवीआईपी मूवमेंट जो ही देखी आपने, रिपोर्ट भी हम करते रहे मुसलसल, लाहौर टीवी ने बड़ा इस पर रिपोर्ट भी किया कि जिना में वीवीआईपी मूवमेंट जब होती थी नवाज शरीफ साहब जिना में, तो घर से कोई मिलने आता था, मरीम बीबी साहब आती थी, शहबाज शरीफ साहब आए तो मरीज सफ़र होते थे, तो उस पर फिर उन्होंने वीवीआईपी मूवमेंट को शायद उन्होंने प्रिंसिपल साहब की जानिब से और एमएसएस साहब की जानिब से उस पर इंस्ट्रक्शंस भी दी कि इसको अवॉइड किया जाए लोगों इस को चीज़ की वीवीआईपी मूवमेंट। आप मुझे बताएं कितने अफसोस की बात है। हाँ, हम अवामी नुमाइंदे हैं, मुझे आज छठा महीना मैं मिनिस्टर बनी हूँ, आपने कभी कोई प्रोटोकॉल मेरे साथ देखी? मेरे साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं होती, मैं अकेली गाड़ी में होती हूँ, सारा पंजाब फिर आई हूँ बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर कोशिश करते हैं कि भाई कोई ना हो, रास्ता अगर कहीं हो जाए तो फिर कह देते हैं वो गाड़ी को भेज दो ताकि हम रास्ते वहाँ पहुँचा दें, अदरवाइज किसको प्रोटोकॉल की ज़रूरत क्यों नहीं? वो पॉपुलर लोग हैं और पॉपुलरिटी के साथ नुमाइंदे आते हैं, वर्कर्स आते हैं आयादत के लिए, तो ये भी आई भी बन जाता था। देखिए ना, वो कैंप जेल है, वो कैंप जेल है, इट इज़ अ सब जेल, वहाँ कोई भी उनको मिल सकता, नोबडी कैन कम एंड मीट हिम जस्ट लाइक दैट, बगैर परमिशन के बगैर इजाज़त के कोई मिल नहीं सकता। और इस वजह से उन्होंने अस्पताल में हमारे लिए बड़ा मसला खड़ा कर दिया। तो मैंने इस पर उनको कहा कि आप मेहरबानी करके, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, उनके इलाज का खास तौर पर ख्याल रखें, पर खुदारा आपकी बड़ी मेहरबानी होगी आप इस तरह का रश ना क्रिएट किया करें कि हमारे मरीज तंग हों और परेशान। रिपोर्टें आपकी नज़र से गुजरी होंगी बतौर हेल्थ मिनिस्टर? जी बिल्कुल, उनकी रिपोर्ट्स में एक एक ना पाँच बोर्ड भी बने। बात बता दूँ, पहले दिन से जिस दिन वो दाखिल हुए उनकी हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है और मैं खुद पर्सनली सुपरवाइज करती हूँ। वजह यह कि मैं पहले डॉक्टर हूँ ना फिर कुछ और हूँ, तो मैं ये इंश्योर कर रही हूँ कि उनको जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ चाहिए हम दे देंगे उनको। ठीक है उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया था, इतना अच्छा वो ये वज़ीर आज़म भी रहे, वज़ीर हार्ट के मामला तो आप जानती हैं, एंजियोग्राफी के बगैर चीज़ें नहीं समझ आती। मकसद ये एनजीओ कहाँ से होगी? एनजीओ क्या कमाल करते हैं आप, वो जो हॉस्पिटल है वो कहते हैं, उनका क्लेम मैंने सुना पहले, वो सुनने वो ये है, वो कहते हैं कि हमारे तो एक पहले भी जब सर्जरी हो रही थी तो एक वेन ब्रस्ट कर गई थी, टेक्निकल टर्म्स तो आप जानती हैं, आप डॉक्टर हैं, मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा, हमारे व्यूअर्स को भी बता दीजिएगा। बिल्कुल, तो इधर कहते हैं रिस्क कौन लेगा उनके हार्ट के मामला, मतलब तभी तो उनकी परमिशन की ज़रूरत है। जब मैं एक अपने ऑपरेशन की परमिशन देती हूँ तो मैं साइन करती हूँ, मुझे सारी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया जाता है, मैं फिर साइन करती हूँ कि मैं इजाज़त दे रही हूँ आपको करने के लिए। जिस दिन नवाज शरीफ साहब हमें इजाज़त देंगे हम एनजीओ काम कर देंगे, मसला ही कोई नहीं, कमाल करते हैं आप। वहाँ मैं जिना की बता रही हूँ आपको, मेरे अपने दो बंदों की वहाँ ऑपरेशन हुए, बाईपास सर्जरी भी हुई है, कैबेज भी हुआ है, दे आर डूइंग सर्जरी, ऐसी कोई बात नहीं। मेयो में बड़ा अच्छा आपका वहाँ का यूनिट अच्छा है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन व्हेन ही वांट्स एन एंजियोग्राम। अमित को बना थोड़ी किया, आपको आप एंजियोग्राम ना करवाइए या आपको, मैंने तो आपको पता है कि जब सर्विसेज से मेरे ख्याल पिंडी करवाने से वो थोड़े राजी हुए हैं कि पिंडी से मैं करवा लेता हूँ। लेकिन जी हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तसल्ली करें कि कहाँ से इलाज करवाना होना, पाकिस्तान में बाहर नहीं जाना, ये पक्की बात है। अच्छा ये है कि यहाँ जो पाकिस्तान में लोग बसते हैं वो इंसान नहीं, आखिर इतने बड़े बड़े अस्पताल जो हैं ये नहीं, वो देखे ना एक्स प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं तीन दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, वो एसेट होता है। एसेट किस तरह भला, मैं एक मिनट दे, एसेट किस तरह, एसेट इस तरह कि उनके पास बड़े राज होते हैं आपकी कंट्री के, बेशुमार राजों का वाकिफ होता है, तो वो एसेट होता है। पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, नहीं तो एसेट का फिर ख्याल रखें, अगर कोई ऐसी वैसी हो गई तो पूरा कौन जिम्मेदार होगा? आप हमने एसेट का पूरा ख्याल रखना है, और मैं यकीन से आपको बताती हूँ ऐसी कोई बात नहीं। बाहर मैंने तो अपने सारे ऑपरेशन यहीं करवाए, मैंने अपने बच्चों के अगर कोई ज़रूरत पड़े तो उनके भी ऑपरेशन यहाँ हुए, कोई हमें कोई परेशानी नहीं, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं,
हर तरीके से उनका ख्याल करना। नहीं, आज आप क्योंकि हुकूमत के बड़ी अहम तरीन मिनिस्टर हैं, तो ये अफवाहें आपने भी सुनी और आपके एक इतिहादी बड़ी ये अफवाहें फैला रहे थे और बड़ा वो निशानदेह करते थे बार बार शेख रशीद साहब, वो कहते थे डील हो गई है। मैं सारी कौम को बताना चाहता हूँ डील हो गई है। पिचौरी निसार साहब, उन्होंने आज बड़ा अहम बयान दिया, वो कहते हैं कि मैं बता दूं अगर कि पिछले 3 महीने में क्या क्या चल रहा था तो बहुत सारे लोगों को शर्म सारी हो। तो आपके पास क्या इतलात हैं, चल क्या रहा है, क्या हो रहा है? बात ये फहद, मुझे एक खान साहब ने मिशन दे रखी और खान साहब के दिल के नज़दीक तरीन मिशन है कि हम पाकिस्तान को सेहत की सहूलत दें। मुझे पता है खान साहब को कितनी तकलीफ होती है। मैं आप यकीन जाने राजनपुर में जब उन्होंने कार्ड दिए, मैं उनकी चेहरे की तरफ देख रही थी, जो तकलीफ उनको थी उन वो गुरबत में जो बेचारे लोग गुरबत वाले जो थे उनको देखते, मुझे पता था खान साहब व्हाट इज ही गोइंग थ्रू। वजह ये है कि वो बंदा जो है वो किस लिए आया, आपका क्या ख्याल है? उसे किसी मशहूरी की ज़रूरत थी, किसी पैसे की ज़रूरत थी? मुझे कई दफ़ा हंसी आती है, लोग कहते हैं जी फलां उसके किचन का वो खर्चा चलाता, तो लगता था कि इमरान खान पहले भूखा ही रहता था, शायद रोटी नहीं खाता था। इमरान खान हैज़ लेड अ प्रिंसेस, एक शहजादे की ज़िंदगी उसने गुजारी। आजकल उस बेचारे की ज़िंदगी तो बिल्कुल फ़कीरों वाली है, मतलब सुबह उठता है बेचारा, अपनी वो डायरी उठाई हुई होती है, सुबह से लेकर शाम तक वो पाकिस्तान की आवाम के हालात बेहतर करने के। आप देखें, मतलब आप ये देखिए कितना हर तरीके से उसने, ईगो तो सवाल ही नहीं पैदा था, यानी वो हर तरीके से सबको वेलकम करना, और उनकी स्टेटमेंट्स आप देखिए कमाल की स्टेटमेंट्स हैं। एक तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई जब खान साहब ने शहजादा जो आए थे हमारे सऊदी अरेबिया को कहा कि हमारे जो कैदी हैं वो छुपा दें, यानी कितनी बड़ी बात है। बात तो ये वो तो फिर आम आदमी का ही सोचता ना, अपनी बात तो नहीं सोचता, ये सबसे बड़ा जेस्चर था। बेचारे वो जो हज़ारों लोग अंदर थे, वो 2100-2200 लोग जो छुपे, उनके माँ बाप का हाल सोचे कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे थे कि वो अपने बच्चों की शक्ल पता नहीं देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे, नंबर वन। नंबर टू, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने जिस तरीके से इंडिया का मसले से डील कर रहे हैं, शायद इससे पहले कभी किसी ने इस तरह नहीं किया। मकसद ये है कि हम एक सॉवरेन मुल्क हैं, हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, हमारी माशाल्लाह फौज जो है वो बड़ी ताकतवर फौज है, एंड इट्स अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। हम किस चीज़ के ऊपर, हम कोई खुदा ना खासा मोदी के कहने में वैसे पूछ ना, हमने उसको कोई MFN क्या वो कहते हैं मोस्ट फेवरेट नेशन बनाने की कोशिश की थी। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, खान साहब ने कहा कि जी पीस शुड बी आवर फर्स्ट स्टेप, हमें क्या ज़रूरत है आपस में जंग लगने। लेकिन हर जो काम उस पर इल्ज़ाम आप पाकिस्तान पे लगा दें, जो काम वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम ले रहे, तो इल्ज़ाम पाकिस्तान इल्ज़ाम लेने के लिए बैठा हुआ। और कोई नहीं, उनकी कुछ बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट्स भी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि नैब वालों अगर मैं मेरे हाथ में होता तो इनके 50 बंदे पकड़े होते, इस तरह की सख्त स्टेटमेंट्स थी, जिससे फिर बहुत सारी अपोजिशन ने कहा कि ये गठजोड़ बन गया, नैब का और हुकूमत का अलायंस बन गया। फिर आपके स्पोक्समैन जितने भी थे वो जब उसको डिफेंड करते थे तो हालात और कम चले गए। मेरी बातें होती हैं, मेरा सर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इमरान खान की इस बात को अप्रिशिएट करें। वो कहते हैं कि मेरी तरफ से जो नैब है और जो एहतसाब के अदारे, उनको परमिशन है कि वो प्रॉपरली एहतसाब करें, अक्रॉस द बोर्ड करें। हमारे 3 बंदों के साथ जो हुआ है वो आपके सामने, सबने रिजाइन कर दिया, इनसे कहें इनको भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि ये भी रिज़ाइन करें। उन्होंने तो कभी नहीं रिज़ाइन किया था, लेकिन आप बाबर रवान ने रिज़ाइन किया, आज़म स्वाति ने रिज़ाइन किया, अलीम खान ने रिज़ाइन किया, और रिज़ाइन एक कोई मॉरल ग्राउंड भी तो होने चाहिए ना बंदे के। तो हाँ, मैं तो ये सोचूँ कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से इमरान खान की जो इंटरनेशनली इज्जत है उससे पाकिस्तान की इज्जत कहाँ पहुँच गई। वो कहते हैं जी इधर उधर भाग रहा है कुछ कॉल लेके। मैं आपको बात बता दूँ, इमरान खान के लिए सबसे अहम चीज़ है कि उसकी आवाम जो है उसके हालात बेहतर। खुदा जाने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ वो करता है इस वजह से कि टू इम्प्रूव द कंडीशन। और मैं आपको ये बताती हूँ ना, सेहत के मामले में तो वो इतने ज़्यादा खुद, यानी आप बोली भी अपनी रात को पहुँच गए। पहले आपने कभी देखा कोई प्राइम मिनिस्टर किसी अस्पताल के अंदर गया और रात 11:30-12 बजे टेलीफोन आया खान साहब का। खान साहब इतने अपसेट थे, उन्होंने कहा कि एक बेड के 2 पेशेंट डॉक्टर साहिबा। और आपको पता है ये बात उन्होंने वहाँ भी राजनपुर में भी की, हालांकि मैंने उनको बताया कि जी मैं उस अस्पताल के फंड्स पहले ही दे आई थी और उनको कहा था कि इस पर काम शुरू कर दें, हमें जगह स्पेस चाहिए माँ और बच्चे के लिए। आपको पता है कि मेरा फोकस ही माँ और बच्चे की सेहत के इम्प्रूवमेंट पर। वजह यह है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के सिग्नेटरी इंटरनेशनल, हमने माँ और बच्चे की शराब बात जो उसको हर हाथ पे कम करना। खान साहब इस बात को समझ,
आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट टू हिम। वो जब बात करते हैं, वो माँ की सेहत की बात करते हैं, वो बच्चे की सेहत की बात करते हैं। कितनी दफ़ा आपने किसी प्राइम मिनिस्टर को इतना इंटरेस्ट रहते हुए देखा हेल्थ केयर में? बुज़ार साहब जो है हमेशा हद से तनकीद बनते हैं, और आपको बड़ा करीब से उन्हें काम करने का मौका भी मिला, बहुत सारी जगहों पर आपने इकट्ठे विजिट भी किया, बुज़ार साहब आपके साथ साथ होते थे, तो उन पर तनकीद ज़्यादा होती है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो इख्तियार नहीं है उनके पास। इन बातों में कितनी सदाकत? मेरा ख्याल बिल्कुल सदाकत नहीं है, इज़ अ चीफ मिनिस्टर, और मेरी तो उनके साथ जो जिस तरह मैं काम करती हूँ ज़ाती, उसमें मुझे हमेशा उन्होंने कंफर्टेबल किया है। मुझे कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मसला होता है, मैं उनको, या कल रात की बात है 9:30 के करीब, मुझे पता, सारा दिन वो काम करते रहे, थके हुए होंगे, उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, मैंने उनको मसला बताया, मैंने कहा ये मसला बना हुआ है हमारे लिए, इसको शॉर्ट आउट करना पड़ा, आपको एडवोकेट जनरल साहब से बात करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, फिर मैं बात कर लूँगा, आप बिल्कुल परेशान ना। मैं आराम से रात को सो गई। सुबह मेरी जब एडवोकेट जनरल से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि रात को चीफ मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आ गया था। मैंने देखा ना कितनी बड़ी बात है कि वो हमारे मसले मसाइल एज ए मिनिस्टर। अच्छा, सिर्फ लिखते नहीं है, एड्रेस भी करते? मतलब लिखते नहीं, बहुत सारी जगहों पर ऐसा रिवाज था कि लोग लिख लेते थे, एड्रेस नहीं करते थे। आपको उन्होंने बताया कि भाई कॉल आई? बताया, मैं आपको यही बता रही, कोई मसला ऐसा हो, और बहुत दफ़े उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आपको कुछ प्रॉब्लम हो जो आप सोचती हैं कि मैं शॉर्ट आउट आपके लिए, आप मुझे बता देते। तो आपको कैसा चीफ मिनिस्टर चाहिए? ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं, बहुत तासुर है माशरे में भी, लोग कहते हैं कि पावरफुल नहीं है। नहीं, उसकी बड़ी वजह मुझे जो लगती है, मुझे जो ज़ाती तौर पर समझ आई, मुझे ज़ाती तौर पर यह समझ आई कि वो मीडिया अवॉइड करते हैं, मीडिया पे नहीं बोलते, बात नहीं करते, एड्रेस नहीं करते, सवालों का जवाब नहीं देते। मुझे ये बताइए, दो जगह मेरे साथ हुई, दोनों जगह उन्होंने कार्ड बांधे, खान साहब के साथ और पटेल खान, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम? जब उन्होंने आके खड़े होकर स्टेज पे बात की और लोगों को एड्रेस किया, और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा किया कि सराइकी में किया, उनका अपना इलाका था, उन्होंने सारी बात भी समझाई, और उनको कहा मैं आपके आप में से हूँ आपकी तरह। एक आदमी अगर हम्बल है तो क्या हमने ज़रूर इस बात में एड्रेस होना कि सिद्धा है तो थे बूट ढूंढते मैं वगैरह मैं पूछना चाहता हूँ, उसी चीज़ से हम एड्रेस होंगे, पता लगेगा कि इम्पॉर्टेंट ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। अगर कार्ड आज डिलीवर हुए हैं तो वो उनके सपोर्ट से हुए ना, उनकी सपोर्ट से हुए। हर चीज़ की वो अपना हमारी ब्रीफिंग लेते हैं, सारे जो हम अपने जैसे लॉज ला रहे हैं, रूल्स ला रहे हैं, सबके बारे में उनको पता, ही नोज एवरीथिंग। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं जी, डॉक्टर साहब से मिनिस्टर साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिए।